लॉकडाउन ने तोड़ दी है टीवी के सबसे पॉपुलर शो की टीम। इस लॉकडाउन के तहत जहां कुछ टीमें जुड़ी हैं, वहीं कुछ टीमें टूटी भी है। और एक ऐसे शो की टीम टूटती नजर आ रही है जो शो पिछले 12 सालों से टॉप टीआरपी बटोर रहा था। ये शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक के बाद एक इस शो से आर्टिस्ट है वो एग्जिट कर रहे हैं। सबसे पहले खबर आई थी कि इस शो में एक नया एंगल जोड़ा जाएगा। तारक मेहता के बॉस के रूप में अब राकेश बेदी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि इस शो को एक नया एंगल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पहले ये शो सिर्फ जेठालाल और दया बहन के बारे में हो गया था, लेकिन अब जब दया बहन इस शो का हिस्सा ही नहीं है, ऐसे में इस शो को एक नया तड़का और नया फ्लेवर देने की बहुत ज़रूरत थी। यही कारण है कि तारक मेहता के बॉस का किरदार इस शो में ऐड किया गया। सोडी को भी इस शो में रिप्लेस कर दिया गया है। सोडी की जगह आए हैं वो एक्टर जो हमें दिल तो पागल है जैसे फिल्म में दिख चुके हैं। सोडी को रिप्लेस किया है एक्टर बलविंदर सिंह सूरी ने, जिन्हें हम साजन चले ससुराल और धमाल जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। बलविंदर सिंह सूरी ने सोडी के किरदार के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं इस शो के तीसरे किरदार यानी कि अंजलि का रोल निभाने वाली नेहा का। जी हाँ, तारक मेहता की वाइफ का रोल निभाते हुए नेहा हमें नजर आई है। नेहा काफी सालों से इस शो का हिस्सा है, जब से ये शो शुरू हुआ है तब से इस शो का हिस्सा है, लेकिन अब नेहा ने भी इस शो को एग्जिट कर दिया है। एक्चुअली लॉकडाउन के बाद से, जब से इस शो की शूटिंग रिज्यूम हुई है, तब से नेहा शूटिंग पर लौटी ही नहीं है। कहा जा रहा है कि नेहा शूटिंग पर आने में असमर्थ है, वो मैनेज नहीं कर पा रही है। खबरें तो ये भी है कि नेहा को एक नया शो मिल गया है, जिसके चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को बाय कह दिया है, जिस शो का हिस्सा वो इतने टाइम से थी। और अब मेकर्स ने नेहा की जगह एक नई एक्ट्रेस को भी ले लिया है। ये एक्ट्रेस है सुनैना फौजदार, जिन्हें हम लेफ्ट राइट लेफ्ट, लागी तुमसे लगन, कबूल है, एक रिश्ता, साझेदारी का, इन सभी टीवी सीरियल्स में देख चुके हैं। सुनैना फौजदार ने भी अपनी शूटिंग की शुरुआत कर ली है। तो कुछ इस तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो 12 सालों से सेम पोजीशन पर सेम टीम के साथ चल रहा था, इस शो में और इस शो की टीम में अब काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एक नए फ्लेवर में ये शो नज़र आने वाला है। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन नए किरदारों के साथ क्या लोग इस शो को उसी तरह का प्यार देंगे या फिर नहीं।